नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज बठिंडा से मलोट रोड जा रही बोलेरो पिकअप का ट्रैक्टर के साथ भयानक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पिकअप में दो लोग मौजूद थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। लोगों के कहने मुताबिक बोलेरो गाड़ी वालों की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्रॉस करते समय गाड़ी ट्रैक्टर ट्रेलर के पीछे जा टकराई और दर्दनाक दुर्घटना हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। जिहड़े लोगों ने दसण मुताबक लोगों के मुताबिक यह है भी ये जिहड़े बठिंडे तो मलोट नूं जा रहे सी, गड्डी थोड़ी जी जिहड़ी बैक है वह बोलेरो ज़्यादा तेज़ वो तो कंट्रोल नहीं हुई तो पिछों बिच लग गई। एक बंदे की मौके पर डैथ हुई है, वो तस्दीक कर रहे हैं, हजे पता ही लगे वह एड्रैस पता कर रहे हैं। जख्मी किन्ने जने? एक बंदा जख्मी दसदे आ, पर असीं देखिया नहीं, एक दसदे आ कि पहले ही वो एंबूलेंस लेके चल। गलती कहती है तुहाडे सर गलती तो हम देखो मौके मुताबिक तो पिकअप है, यहाँ लगता बोलेरो पिकअप की जी गड्डी ज़्यादा तेज है। अं तो गड्डिया चलाने चाह पी रहे ढाबे से, तो सानू यह नहीं पता लगा अं तो गड्डी वजी तो वेखे भजे आए अं गड्डी का हादसा हो गया है, पर वो गड्डी वाला कह रहा है बोलेरो वाला कि मैं कार को बचा ट्राली मार बैठा, उधर फुटपाथ ना कार सी जो कार बचाया ने, तो जो कार बचाया जाके ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर से स्लो ये तो ब्रेक लाई है, तो ब्रेक लगते लगता गड्डी जी जान लगी है, गड्डी तेज सी, तेज होने करके ब्रेक लाई, ब्रेक ने गड्डी मतलब खसो नहीं पाई। मौत भी हुई है किसी की? एक बंदे की मौत हो गई, जो बोलेरो गड्डी नाल बंदा बैठा से, दो जने से ड्राइवर बच गया, जोड़ा माली से वह सब्जी वाला जलंधरों चले आ सूरतगढ़ जाना इन्होंने, हूँ एक गड्डी तेज सी बोलेरो वो फिर नाल बज गई टकरा गई, टकराने करके बंदा जरा गया थान ही रह गया। ट्रैक्टर वाले कि जगह तो ट्रैक्टर वाले लोग नहीं इतों मेरे घर पिछले तो जी। हाँ जी सर, ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।